मैं इस समय डॉक्टर मोहम्मद ईशान साहब और आज हम इनसे काफ़ी सारी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी सारे सवाल हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स के भी सवाल हैं वो भी, और जो लाइव लोग पूछेंगे हमसे उनसे भी हम तुरंत जवाब उनके देने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं और कई सारे बेसिक सवाल हैं जो कि बेसिक सवाल हैं जो हर किसी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहते हैं। हम चाहेंगे कि उनके भी जवाब आप सब के पास पहुँचे, और अगर कोई सवाल आपका नहीं भी है तब भी आप सुनने की उसका जवाब जरूर कोशिश करें, ताकि अगर वो कहीं ना कहीं आप भी क्लियर हो सकें उस सवाल से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, आज हमारा जो शो है वो कुछ ख़ास होने वाला है और बहुत सारे सवाल जवाब आप लोगों के लाइव रहेंगे। जो भी आप लोग सवाल करेंगे वो उसका जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। आप अपने सवाल जो भी हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड वो सब लिख करके जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, और उसके बाद कुछ सवाल यहाँ से हैं जो हमारे अथर साहब हमसे पूछेंगे, मैं उनका भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने आपके अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि मतलब आपने कहाँ से डिग्री की है और कौन सी डिग्री की है, आप डॉक्टर हैं तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने BUMS किया है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जयपुर के राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है, और वहीं मैंने पूरी ट्रेनिंग की इसकी। हिजामा का मैंने अलग से 6 महीने ट्रेनिंग ली है, तो हमारे यहाँ नॉर्मली यूनानी इलाज तो होता ही है तमाम बीमारियों का, और साथ में हिजामा थेरेपी भी की जाती है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने बैच का टॉपर हूं अल्हम्दुलिल्लाह और गोल्ड मेडलिस्ट हूं, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता भी हूं, नीचे लाइन में लिखता भी हूं। ये मेरी डिग्री है और ये मैंने जयपुर से हासिल किया है, जयपुर राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं आपको, आप अक्सर हिजामा टाइप वीडियो डालते रहते हैं और हिजामा के कई सारे आप फायदे भी बताते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार हमारे नाज़रीन को ये भी पता लगे, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल पर भी इस समय लोग लाइव देख रहे हैं GN मेडिकल चैनल पर, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हिजामा के क्या फ़ायदे हैं और इसका मजहबी तौर पर क्या ये कहाँ जुड़ता है हमसे, और आप अगर ये करते हैं तो कहाँ पर करते हैं, वो एड्रेस टाइप कुछ आप बताएंगे। देखिए, हिजामा जो है आजकल बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ हो रहा है, इसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं। कपिंग थेरेपी जो है वो दो तरह की होती है, एक तो ड्राई और एक वेट। ड्राई में सिर्फ कप लगा करके, इस तरह से ऑयल लगा करके मसाज की जाती है, ख़ास तौर से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए। और जो वेट कपिंग होती है वो वहाँ से बॉडी का टॉक्सिन ब्लड निकाला जाता है ब्लेड से हल्के से कट लगा करके। ये एक ऐसा इलाज है जिसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बॉडी में किसी भी तरह का दर्द है, पुरानी बीमारी है, बालों की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की शिकायत है, या कुछ भी है, बहुत सारी बीमारी इमरजेंसी को छोड़ के तमाम बीमारियों का इलाज हिजामा के जरिए किया जाता है। और हमारा हिजामा सेंटर, जैसा पूछा गया मुझसे, बहेड़ी नया रोडवेज के सामने। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बता दिया, अगर कोई व्यूवर्स यहाँ आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और अब हमारा नया सवाल ये है कि अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं हमसे जुड़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके भी कई सारे सवाल आ रहे हैं, तो एक सवाल मैं और पूछूंगा उसके बाद उनकी तरफ हम जाएंगे। हमारा सवाल ये है कि देसी दवा जो लोग यूज़ करते हैं, इसके क्या मतलब कुछ साइड इफेक्ट टाइप थोड़ी होते हैं, कई सारे लोग यूनानी दवा यूज़ करने से घबराते भी हैं, कई ज़्यादा एलोपैथी की तरफ जाते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, यूनानी दवा के किसी भी तरह के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, अगर मर्ज को डायग्नोज करके सही तरीके से दवा दी गई है तो किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर सही तरीके से दवा नहीं दी गई है तो सिर्फ इतना साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि हो सकता है आपको लूज़ मोशन हो जाए, या कुछ ऐसी दवा दे दे, हो सकता है आपको कब्ज़ हो जाए, या हो सकता है आपको ठंड हो जाए, बस इससे ज़्यादा और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो इस दवा। तो डॉक्टर साहब, अब इस समय एक लाइव कमेंट आया है, अबू साद अहमद कहते हैं, वो सलाम करते हैं और कहते हैं कि जनाब, सर्दी खांसी बुखार के लिए कोई मेडिसिन बताएं। देखिए, सर्दी खांसी बुखार इस वक्त जो है ना, ये मौसमी बीमारी है और बहुत तेज़ी से चल रही है, जैसे मौसम बदलता है जब भी चलती है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपने अक्सर सुना होगा जोशांदा, एक मेडिसिन होती है जोशांदा, ठीक है, जोशांदा जो है वो इसका इस्तेमाल करें। जोशांदे को आप उबाल के रख लें, और जोशांदे को आप एक जोशांदा खरीद लें, मुश्किल से 20-30 रुपए का आ जाता है मार्केट में, और इसको आप रात को या किसी वक्त इसमें एक गिलास पानी डाल दें। पानी डालने के बाद उसको इतना पकाएं कि आधा पानी रह जाए, उसको छान करके उस पानी को पी लें, तो ये सर्दी जुकाम और बुखार जो वायरल मौसमी जो चल रहा है उसके लिए बहुत बेहतर है। आपको दो से तीन दिन तक ऐसा करना है, उसको फिर रात को करें ऐसा। ऐसा करने से ये नज़ला खांसी जुकाम जो है ये ठीक हो जाएगा।
अब डॉक्टर साहब हमारे पास और भी कई सारे सवाल आ रहे हैं कई सारे व्यूवर्स के। एक लिखते हैं ब्लॉग गुड वॉइस ये काफ़ी अच्छी है। अब एक नया सवाल हमारे पास ये है डॉक्टर साहब, आप देख लेंगे इस बार इसको, ये मोहम्मद गयास साहब हैं, इन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने लिखा रमी सिरप यूज़ करने से क्या हार्ट का प्लेक डिक्रेज होता है? हाँ बिल्कुल, और अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है और रमी का जो आप कार्डियक सिरप की बात कर रहे हैं, शायद ये कार्डियक सिरप की इन्होंने वीडियो देखी होगी, अलग अलग तरह से मैं बताता रहता हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। साथ में अगर और भी इस तरह की कोई परेशानी है, एंजाइना पेक्टोरिस है या हार्ट का कोई दर्द है या ब्लॉकेज की शिकायत है या यूँ कहें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को ये रमी कंपनी का जो कार्डियक सिरप है वो ख़त्म करता है तमाम बीमारियाँ। डॉक्टर साहब एक नया कमेंट है वो अहमद तारिकी साहब हैं, सलाम लिखते हैं और कहते हैं कि आंखों को मजबूत कैसे करें? देखिए आंखों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आजकल क्या है ना, आंखों बहुत ज़्यादा लोगों की कमज़ोर हो रही है। उसकी वजह क्या है कि मोबाइल सबसे ज़्यादा चला रहे हैं लोग और रात में जो लेट मोबाइल चलाते हैं ना वो बिल्कुल सेहत के लिए ठीक नहीं है, ख़ासतौर से आँखों के लिए। और रही बात इसको मजबूत करने के लिए, तो खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अगर आप थोड़े से दिन भी लगातार कर लेंगे तो दिल दिमाग को मजबूत देने करने के साथ साथ ये आँखों को मजबूत करती है। इसको आप 3-3 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें, सुबह भूखे पेट पर दूध से लें, 3 ग्राम का मतलब होता है चने के दाने के बराबर लें। और साथ में मैं एक दवा और बता रहा हूँ, आप उसको भी नोट कर लें अगर आप सुनते हो, माजून मुकव्वी बसर इसको आप 5-5 ग्राम या आधा आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें और ये दवाएं कम से कम 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं या किसी भी तरह की और भी कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी। जिस्मानी कमजोरी है या दिमागी दिल की कमज़ोरी है वो भी ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर साहब नया सवाल हमारे पास है, एक और सवाल है, चलो उससे पहले हम एक अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी जैसे हमारे साथ कई सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं तो कुछ फीमेल्स के पर्सनल इश्यूज होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड और फीमेल के, तो उनको क्या कोई फीमेल डॉक्टर देखती हैं आपके यहाँ पे? जी जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि हमारी वाइफ जो है वो डॉक्टर हैं और यूनानी इलाज, लेडीज़ का यूनानी इलाज करती हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ तरीके से इलाज होता है यूनानी। जो लोग एलोपैथी दवाओं से थक चुके होते हैं, ख़ास तौर से फीमेल का जो कंसीव नहीं होते हैं या फिर सिस्ट वगैरह है, बच्चेदानी अंडेदानी में गांठ वगैरह जो हो जाती है उसका इलाज जो नहीं हो पाता है एलोपैथी से, तो हमारे यहाँ यूनानी दवाओं से बहुत आसानी से इलाज होता है। या कोई भी फीमेल की परेशानी है, सफ़ेद पानी की जो डिस्चार्ज की वाइट डिस्चार्ज की शिकायत होती है या और भी कोई इस तरह की परेशानी है तो उसका इलाज हमारे यहाँ से होता है, हमारे यहाँ आके आप करा सकते हैं लेडीज़ डॉक्टर के ज़रिए। और एक ख़ास बात और है कि कुछ लोग कपिंग कराना चाहते हैं, कुछ फीमेल हिजामा कराने चाहते हैं तो फीमेल डॉक्टर की तलाश करती हैं, हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटी है हमारे हिजामा सेंटर पर कि वाइफ हमारी डॉक्टर हैं और वो फीमेल का हिजामा करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस समय कई सारी बीमारी जो इस समय चल रही हैं तो आपके यहाँ बेहतरीन इलाज जो है कुछ अगर आप स्पेसिफिक बताना चाहें तो कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो इस समय आप ट्रेंडिंग में आप देख रहे होंगे उनका अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता है? देखिए इस वक्त जो है मैं कई सारी बीमारियों को देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, जो पुरानी हो रही हैं। हालांकि हमारे पास कोई इमरजेंसी पेशेंट नहीं आते हैं, हमारे पास क्रोनिक डिजीज़ वाले आते हैं, तो उसमें क्या है ज़्यादातर एक तो शायटिका जो कमर से नीचे के जो पैर में दर्द होता है, शायटिक नर्व का जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा देख रहा है आजकल। दूसरा दिमागी मरीज़, दिमागी में OCD, मालेखुलिया, पालपिटेशन, एनजाइटी, घबराहट, इस तरह के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, इंसोमनिया, नींद की कमी वाले या नींद ना आने वाले। मैं देख रहा हूँ कि लोग 10-10, 12-12 साल से एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, फिर उसके बाद आते हैं यूनानी इलाज कराने। अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ बहुत ज़बरदस्त इसका इलाज होता है, 6-8 महीने में बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है, ख़ासतौर से दिमाग का। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैं जाऊँगा तो डाइजेशन से रिलेटिव किसी के लीवर फैटी बहुत ज़्यादा, फैटी लीवर की जो आजकल परेशानी है, लीवर का साइज़ बढ़ना, हेपेटोमेगली और इस तरह की जो परेशानी है ये भी बहुत ज़्यादा आजकल आ रही हैं आंत में सूजन। वैसे तो और सारी बीमारियों का इलाज होता ही है लेकिन जो ख़ास मैं देख रहा हूँ कि शाइटिका का इलाज हमारे यहाँ होता है तो इसलिए शाइटिका के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, और दिमाग का इलाज होता है, दिल दिमाग की कमज़ोरी और दिमागी जो उल्टे सीधे ख्यालात वाली बीमारी जो होती है इसका जो इलाज होता है हमारे यहाँ, तो उसके भी हमारे यहाँ पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। और जैसे कि हमारे व्यूवर्स तो जानते भी होंगे कि अभी इसी साल 2022 में बेस्ट हकीम का अवार्ड भी मिला है मुझे, ख़ासतौर से दिमाग के पेशेंट को ठीक करने के लिए और
डाइजेशन के, न्यूरो एंड गेस्ट्रो में। तो लोग सब, जैसे कि आपने बताया न्यूरो और गेस्ट्रो में आपको बेस्ट हकीम का अवार्ड मिला है, तो अब सब लोग तो आपके यहाँ क्लिनिक पे आ नहीं सकते, जो लोग काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं, तो वो आपसे किस तरह इलाज करवा पाए या जिनकी चाहत है आपसे इलाज करवाने की, जो ठीक होना चाहते हैं कई लंबे लंबे समय से, मतलब जो बीमार हैं, तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करें? देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है हमने। मैं अपना पर्सनल नंबर हर वीडियो में देता हूँ, जबकि आज के दौर में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो अपने पेशेंट को, अपने व्यूवर्स को पर्सनल नंबर दे दे। मेरे पास जो मोबाइल रहता है, जिस मोबाइल से मैं इस वक्त आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, ये नंबर मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ और लिख देता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है, मतलब आप कॉल पर, व्हाट्सएप पर सारी परेशानी लिख करके दे सकते हैं या बात करके दे दें और उसके ज़रिए इलाज करा लें। हालांकि मैं आप सभी को बताता रहता हूं कि वहां थोड़ी फ़ीस लगती है, वो क्योंकि ज़रूरी भी है, बिना फ़ीस के लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, हल्के में ले लेते हैं, मजाक समझ लेते हैं, इसलिए फ़ीस लगती है वहां। और जो लोग फ़ीस देते हैं तो वाकई में वो सीरियस होते हैं और इलाज कराते हैं, जो लोग फ़ीस नहीं देते वो सीरियस नहीं होते हैं, वो दवा भी नहीं खरीदते। हमने 2 साल फ्री इलाज किया था, तो लोग हमसे, लोग दवाएँ भी नहीं खरीदते थे और एक एक महीने बाद बोलते थे कि डॉक्टर साहब, वो 1 महीने पहले आपसे दवा ली थी, क्या वो दवा ख़रीद लें? इसका मतलब उस दवा की कोई वैल्यू नहीं, हमने आपको टाइम दिया, कोई टाइम की वैल्यू नहीं। इसलिए हमने फ़ीस रखी है, बहुत मामूली सी फ़ीस है जो आराम से सभी लोग अफोर्ड कर देते हैं। और बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ कई पेशेंट हमारे सुबह से शाम तक ऑनलाइन के होते हैं, बहुत कम फीस पे हम पेशेंट से खुद मैं बात करके दवाएँ लिखा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहीं रोकूँगा, आप जो इसमें सवाल लेंगे, देखिए जो लाइव शो जो चल रहा है, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि छोटे भाई का एक चैनल है हमारे जी एन मेडिकल चैनल के नाम से, मैं उस पर भी ये लाइव आ रहा हूँ, साइड में उसका भी कैमरा चल रहा है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जब ये शो देखें या आप इस शो को छोड़ के उस वाले चैनल पर भी जा सकते हैं, थोड़े आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। जी एन मेडिकल चैनल आप सर्च कर लें, जी एन मेडिकल चैनल आप उधर जा कर के भी देख सकते हैं, वहाँ भी लाइव चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, साइड में मोबाइल वो भी लगा हुआ है, तो उधर बहुत ज़रूरी है कि उधर को सपोर्ट करना। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप उधर जा करके देखें और वहाँ भी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम उधर वाले व्यूवर्स को भी बता दें कि आप यहाँ कोई भी कमेंट्स करेंगे तो हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं या लाइव देख रहे हैं अगर। तो सर, एक क्वेश्चन है अख्तर हुसैन का कि वो कहते हैं कि सर, टॉयलेट में कहीं ना कहीं चिकनापन महसूस होता है, म्यूकस आता है, इसकी वजह से पेट भी साफ़ नहीं होता और डाइजेशन भी ख़राब है, तो इसमें कुछ आप बताओ, 1 साल से है उन्हें ये प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, और जैसे कि मैं बता रहा, डाइजेशन की बहुत ज़्यादा बीमारी है और वो सवाल आ भी गया फौरन। देखिए, इसके लिए आपको हब्बे पेचिस 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम, हब्बे पेचिस आप नोट कर लें, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम। म्यूकस आने का मतलब सीधे सीधे डिसेंट्री की शिकायत है। अगर क्रोनिक है तो आप इसमें जवारिश आमला सादा 5-5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें, शरबत बेलगिरी 10-10 ml सुबह शाम इस्तेमाल करें। आप ये 3 दवाएं थोड़े दिन लें लगातार, इंशाल्लाह इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। परहेज़ का इसमें बहुत ध्यान, याद रखिए सभी के लिए इस सवाल का जवाब है कि डाइजेशन से रिलेटिव अगर कोई बीमारी है तो आप परहेज़ का बहुत खास ख्याल रखें, तली भुनी चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करें, मीट मछली बंद कर दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्की एक्सरसाइज करें, बाहर की तली भुनी चीज़ बिल्कुल बंद करें, जल्दी आराम। डॉक्टर साहब, इस समय एक काफ़ी कॉमन सवाल आया हुआ है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, DYC DC साहब ने पूछा है कि यूनानी और आयुर्वेदिक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और ये जो यूनानी के अंदर शहद को पकाया जाता है, हमने सुना है कि शहद पकाने से ख़राब हो जाता है, तो फिर यूनानी में क्यों पकाया जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है, पहले तो ये दोनों में अंतर बता दूँ मैं, फिर उसके बाद शहद को क्यों पकाया जाता है मैं वो भी बताऊँगा। देखिए, यूनानी और आयुर्वेद दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, वो भी जड़ी बूटियों से दवाएँ तैयार करते हैं, यूनानी में भी जड़ी बूटियों से दवाएँ तैयार करते हैं आयुर्वेद में भी, ठीक है। यूनानी जो है वो यूनान से आई है, यूनान सऊदी अरब से आके ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में ये चलती है, और जो आयुर्वेद है वो सिर्फ हिंदुस्तान की है, ठीक है, हिंदुस्तान में उसको ज़्यादा तरक्की है, जबकि हालांकि अब तो काफ़ी पूरे दुनिया भर में है, लेकिन यूनान जो है वो पूरे दुनिया में है, और यूनान से जैसे होम्योपैथी जो है ना दूसरे मुल्क से आई है, ऐसे ही यूनान भी दूसरे मुल्क से आई है। और एक फ़र्क और है, यूनानी में दवाओं को ज़्यादातर शहद में मिला करके तैयार किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में टैबलेट और पाउडर की शक्ल ज़्यादा रहती है, हालाँकि यूनानी में भी टैबलेट और पाउडर बराबर रहते हैं, लेकिन माजून की वजह से यूनानी ज़्यादा फेमस है।
अब बात आती है कि हालांकि मैं मानता हूँ कि दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है, बस एक उर्दू और अरबी और इंग्लिश में ज़्यादा है, दूसरी फारसी सॉरी संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा है आयुर्वेद, बस इतना सा फ़र्क है। जब आप किताबें लेकर बैठेंगे तो किताब में साफ लिखा होगा कि इसको संस्कृत में ये कहते हैं और हिंदी में ये कहते हैं, आयुर्वेद में ये, यूनानी में ये, उसके नाम सब लिखे होंगे, बस दवाओं के नाम बदले हुए होते हैं, वो अपने हिसाब से होते हैं। रही बात शहद को पकाने की, तो देखिए शहद को मुसफ़ी करने का तरीका होता है पकाना। जब आप शहद को पका रहे हैं इसका मतलब शहद की कोई टॉक्सिसिटी है तो वो ख़त्म हो रही है उसको पकाने से, जबकि आपने जो सवाल किया है वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है वो, क्योंकि आयुर्वेद में क्या कहा गया है मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन यूनानी में शहद को पका करके ही इस्तेमाल किया जाता है और पकाने के बाद उसके झाग जो होते हैं ऊपर के जो, उसको फेंक दिया जाता है। माना जाता है कि इसके झाग के अंदर जो गंदगी होती है वो आ जाती है और उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, उससे वो शहद मुसफ़ी हो जाता है, प्योर हो जाता है, ये तरीका है। तो डॉक्टर साहब एक नेक्स्ट सवाल है और मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब मुझे भी दें, ये कह रहे हैं कि मसल्स की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई यूनानी मेडिसिन बताएं। जी बहुत अच्छा सवाल है और आजकल इस तरह के सवाल बराबर आते हैं मेरे पास, जैसे भी आते हैं यूट्यूब पर। तो इसमें देखिए अगर आप नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए नॉन वेज में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जो लोग नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं वो उन लोगों के लिए दवा है और जो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं उनके लिए मैं दूसरी दवा बताऊँ, क्योंकि जो दवा मैं बताने वाला हूँ वो नॉन वेज है, ठीक है। अर्के माउल लहम दो आतिशा, अर्के माउल लहम दो आतिशा एक ऐसी मेडिसिन है, इसको शमा कंपनी का ख़रीदें आप, एक ऐसी मेडिसिन है अगर आपने एक महीने भी लगातार इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जिस्मानी कमज़ोरी सारी दूर हो जाएगी और बॉडी की जो मसल्स है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वज़न बढ़ने लगेगा, भूख लगने लगेगी, एक बड़ी शानदार दवा है ये। और इसकी डोज क्या, अगर 15 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं आप तो 25-25 ml सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं ओनली वेज लेते हैं तो वो रेक्सोटॉन के नाम से एक सीरप आता है, उसका इस्तेमाल कर लें 15-15 ml सुबह शाम, तो जो बॉडी में कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाएगी, मसल्स ग्रोथ होने लगेंगे। ऐसे तो सैकड़ों दवाएं हैं लेकिन सारी दवाएं पूरी डिटेल से नहीं बता सकते, बहुत सारे लोगों के सवाल अभी मौजूद हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मोहम्मद वाई साहब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा, और ये मोहम्मद गैस साहब कहते हैं जी बेहतर शुक्रिया क्योंकि इनको जवाब मिल गया है, हमें पता चल गया। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाल आया मोहम्मद मोहम्मद अकबर जी मोहम्मद अकबर हैं जो कहते हैं कि जिस्म कमज़ोर हो गया है, कमज़ोरी भी है और जल्दी वजन बढ़ाने का कोई तरीका बताएं, तो शायद हमने ये जवाब दे दिया है। ये अभी तो हुआ है उधर चैनल, दूसरे चैनल जीएन हेल्थ जीएन मेडिकल चैनल पर एक सवाल आया है, क्या सवाल है? खाना हजम नहीं होता, गैस और खाना हजम नहीं होता। मोहम्मद शकील साहब हैं जीएन हेल्थ केयर हेल्थ मेडिकल चैनल पर कमेंट्स आया है मोहम्मद शकील साहब का, उन्होंने कहा है खाना हजम नहीं होता और गैस बनती है। देखिए शकील भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जीएन मेडिकल चैनल पर जाकर के वीडियो को देखा और कमेंट्स किया, इसी तरह से आप वीडियो को शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए जिन आजकल ये परेशानी बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि डाइजेशन से रिलेटिव बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, क्योंकि खाना पीना इतना बदल चुका है बहुत ज़्यादा, बाहर की चीज़ें या तली भुनी चीज़ें या जो भी खा रहे हैं वो एकदम प्योर नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले सुबह शाम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, सुबह आप जो मैं दवा बताऊँगा वो गर्म पानी से लेना है, आप नोट कर लें, इत्री फल किशनी जी सुबह भूखे पेट पर एक चम्मच लेना है। अगर इत्री फल किशनी जी ना लें आप तो सफ़ूक किशनी जी भी आता है, इसका अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, सफ़ूक किशनी जी ले लें आप, और सफ़ूक किशनी जी 5 ग्राम लें, इत्री फल किशनी जी 10 ग्राम, सुबह भूखे पेट पर एक चम्मच लगभग, और उसको लेने के बाद गर्म पानी ले लें, ठीक है। गर्म पानी लेने से क्या है, जो बॉडी में टॉक्सिन हो गए वो काफ़ी हद तक वहाँ से डिसॉल्व होकर अपने मोशन वगैरह भी हो जाएंगे, उसके बाद आप जो बता रहे हैं आपका पेट भारी रहता है, खाना हजम नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको कब्ज़ की भी शिकायत है, क्योंकि जिन लोगों को गैस एसिडिटी बनती है तो वहाँ कब्ज़ का बड़ा मसला रहता है। तो इसमें क्या करना है कि कब्ज़ के लिए आप इतनी फल सनाई 5-5 ग्राम सुबह शाम ले लें, इतनी फल सनाई जो है वो 5-5 ग्राम सुबह शाम रात को सोते वक्त ले लें, एक टाइम ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको कब्ज़ ज़्यादा हो, अगर हल्का है तो पेट साफ होगा, 2-4 दिन अगर हल्के मोशन आ रहे हैं तो होने दें, ज़्यादा हो रहे हैं तो दवा रोक दें, रात वाली हल्के मोशन हो रहे हैं तो पेट को साफ होने दें, क्योंकि पहले के ज़माने का जो उसूल इलाज था वो यही था कि या तो उल्टी करा करके लोग इलाज कराते थे या दस्त करा करके कराते, आज के तरीका ये ख़त्म हो गए, इसलिए गंदगी अंदर ही अंदर रह जाती है, बस दवाएँ उसको दवा देती हैं, तो इसलिए बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, आप ये दवा लें, इंशाल्लाह 10 दिन में ही आपको आराम मिलने लगे। उम्मीद है जो जी एन मेडिकल चैनल पर जिन्होंने सवाल किया था आपको जवाब मिल गया होगा इसका। अब हम नेक्स्ट अपनी तरफ से थोड़ा सा सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो अभी फ्री कैंप हमने अभी कुछ पहले वीडियो देखी थी आपकी, जिसके अंदर हमने देखा था कि आपके हेल्थ केयर क्लिनिक पर जो कि बहेड़ी में है वहाँ पे एक फ्री कैंप लगाया गया था, तो वहाँ पे हमने देखा, मैं भी वहीं पे मौजूद था, काफ़ी 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे और उन्होंने फ्री दवाई दी, तो इसमें आपका क्या उसूल आगे रहेगा और क्या सिलसिला रहेगा थोड़ा बता दें। देखिए बहुत सारे लोग, कम से कम 100 से ज़्यादा हो गए, और उन लोगों ने हमारे यहाँ इलाज कराया, 2 दिन की दवाएं हमने फ्री दी, जबकि ऐसा कैंप शायद ही आपने कहीं देखा होगा जिसमें यूनानी दवाएं फ्री दी जाती हैं, इतनी महंगी दवाएं होती हैं यूनानी, कोई भी फ्री नहीं दे सकता। लेकिन हमने सोचा कि अपने आसपास के लोग या हमारे जो यूट्यूबर्स यूट्यूब के व्यूअर्स हैं या पेशेंट हैं वो फ़ायदा उठाएँ और खिदमत हमारी तरफ से थोड़ी खिदमत भी हो जाए, तो हमने 2 दिन की दवाएँ फ्री दी, उसमें बहुत अच्छा मज़ा आया, काफ़ी लोग आए उसमें, और इंशाल्लाह उस दिन से हमने ये ठाना है मन में कि आगे चल के बहुत जल्दी जल्दी 2-2 महीने या जैसे भी हमें वक्त मिलेगा इस तरह से फ्री कैंप लगाते रहेंगे, क्योंकि कमाना तो ज़िंदगी भर है ही, कुछ खिदमत हो जाए तो हमने ये सोचा बहुत अच्छा रहेगा, और उससे काफ़ी लोग हमारे पास आए, बड़ा अच्छा लगा, और आगे भी हम इस तरह से करते रहेंगे हर 2 महीने में रहेगा। जी तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हर 2 महीने में कहीं ना कहीं एक ऐसा कैंप लगाया जाएगा जिसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर एक सोशल वर्क के तौर पर ये कहीं ना कहीं किया जा रहा है, जिसमें फ्री दवाई दी जाती है और 2 दिन की मिनिमम दी जाती है फ्री दवाई, जिसके अंदर जनरली ये देसी दवाइयाँ आपको यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट सवाल है कदीम अंसारी, अगर वो देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दें इस पर, उन्होंने लिखा है कि नर्वस सिस्टम और सर्वाइकल को ठीक करने के लिए कोई यूनानी मेडिसिन बताएं। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, मैं क्योंकि सवाल तो आप हमारे व्यूअर्स वाले में बहुत अच्छा सवाल करते हैं। नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए देखिए एक टैबलेट का मैं नाम, कुछ दवाओं का नाम बता रहा हूँ, दर्पण निशा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, अभी तो बहुत सारे सवाल आए हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कोशिश करेंगे हम सभी लोगों को सवाल का जवाब दे दें। तो नर्वस सिस्टम को और जो ख़ासतौर से सर्वाइकल जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा मैं बता दूँ सर्वाइकल होता क्या है। ये हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, जो गर्दन जो जिसे कहते हैं, कंधे से ऊपर और गर्दन के जो हिस्सा होता है, यहाँ की जो वर्टिब्रा होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती हैं, इसके अंदर जो नसें होती हैं, या नसें मतलब नर्व जो होती हैं इसमें, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं किसी ना किसी हड्डी से, तकिया मोटी लगाने से, तो उसकी वजह से दर्द होने लगता है, फिर दोनों हाथों में, कंधे में और सर में तक दर्द पहुँचता है। तो उसको ठीक करने के लिए देखिए नोट कर लें आप, माजून चोप चीनी रात को 10 ग्राम लें, सॉरी दिन सुबह में 10 ग्राम लें माजून चोप चीनी, इत्रीफल सनाई रात को 10 ग्राम, इत्रीफल सनाई रात को 10 ग्राम, दर्पण निशा टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम, हब्बे अजरा की 1-1 गोली सुबह शाम, हब्बे आसाब 2-2 गोली सुबह शाम। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, माजून चोप चीनी सुबह 10 ग्राम नाश्ते के बाद, इत्रीफल सनाई रात को 10 ग्राम सोते वक्त, ठीक है, उसके बाद दर्पण निशा 2-2 टैबलेट सुबह शाम, हब्बे अजरा की 1-1 टैबलेट सुबह शाम, हब्बे आसाब 1-2 गोली सुबह शाम। ये आप थोड़े दिन लगातार लें, इंशाल्लाह आपको दर्द में आराम मिलने लगेगा। तकिया बिल्कुल ना लगाएं, अगर लगाएं भी तो कोई चादर वगैरह को फोल्ड करके गर्दन में लगाएं, सर में यहाँ ना लगाएं बल्कि इस वाले हिस्से पर लगाएं, ठीक है, तो इसमें जल्दी आराम मिलेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अब नेक्स्ट सवाल है, मोसी 91 लिखते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में जलन हो रही है और भूख भी नहीं लग रही है, बॉडी में वीकनेस आ रही है, तो डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन बताएं। देखिए पेट में जलन बताइए ना, जी पेट में जलन हो रही है, ठीक है, एक तो आप मिर्च मसाले जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करें, ये सब खाने पीने की वजह से आजकल डाइजेशन की परेशानी चल रही है, तो मैं आपको बता दूं इसमें आप इत्रीफल किशनी जी सुबह 10 ग्राम इस्तेमाल करें, इत्रीफल किशनी जी सुबह 10 ग्राम भूखे पेट पर लें, हब्बे पपीता 2-2 गोली सुबह शाम, हब्बे पपीता 2-2 गोली सुबह शाम, शरबत दीनार 10-10 ml सुबह शाम, ये सारी दवाएँ गर्म पानी से लेना, शरबत दीनार को आप गर्म पानी में मिला करके भी ले सकते हैं और वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं, थोड़े दिन ये लें आपके जलन इंशाल्लाह कम होने लगेगी, और उसके बाद जो है आप मिर्च मसाले कम से कम रखें तो परेशानी नहीं होगी। अब हम अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, उसके बाद में हम जो लाइव व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उनके सवाल लेंगे। अब हमारा सवाल सर ये है कि अगर इस समय कोई सवाल पूछना चाहता है तो उसका क्या फॉर्मेट लिखें, वो अगर थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट दें, अगर एज और उस हिसाब से तो आप बता दें। देखिए आज मैंने 6 बजे के वक्त एक वीडियो अपलोड की थी आज के शो के लिए, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको हमारे से कोई सवाल पूछना है अपनी बीमारी के ताल्लुक से
तो आप अपनी उम्र, आपका नाम और आप कहाँ से हैं ये भी पता लगे हमें, कहाँ 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 से हमारे व्यूवर्स देखते हैं, और आपकी जो परेशानी है वो कितने दिनों से, मेल फीमेल के बारे में भी लिखें। ये तरीका पूरे बड़ा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ लेंगे उसको, और पूरी डिटेल के साथ लिखें ताकि जवाब देने में आसानी हो, क्योंकि अधूरे सवाल होते हैं तो दवाओं का मामला है, सेहत से जुड़ा हुआ, इसलिए हम उसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे पाते। बहुत से लोग बस शॉर्ट लिख देते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है हमारे लिए, खासतौर से लाइव शो में। तो डॉक्टर साहब, एक ये अहमद तारिकी साहब हैं जिन्होंने पहले भी सवाल किया था, तो इन्होंने आगे कुछ लिखा था, उसमें लिखा हुआ है कि इंटेस्टाइन को, नेक्स्ट उनका जो मैसेज आया है उसमें यह है कि इंटेस्टाइन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और IBS प्रॉब्लम है इसमें। ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है भाई, IBS के लिए बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे पास, बहुत बहुत अच्छे सवाल पूछे आज सभी लोगों ने, ऐसे सवाल पूछे कि जो लोग देख रहे हैं और नहीं भी पूछ पा रहे हैं तो उनके भी काम के सवाल हैं। IBS बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और इसमें क्या होता है, दो तरीके की होती है अक्सर, एक कभी कभी कब्ज भी होने लगता है, कभी दस्त बहुत ज़्यादा होने लगता है, और लंबे समय तक, यूँ समझे लंबे समय तक पेट खराब रहना सीधा सीधा IBS में माना जाता है, या IBD भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके इलाज की अगर हम बात करें तो कई सारी वीडियो में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि इसका इलाज कैसे करेंगे, एक प्रॉपर इसका इलाज किसी पैथी में नहीं है, हालांकि यूनानी से हमारे यहाँ बड़ा ज़बरदस्त इसका इलाज के द्वारा अलग अलग दवाओं का कॉम्बिनेशन मिलके, चलिए आइए दवाओं के बारे में जानते हैं। हब्बे नरकचोर दो गोली सुबह दो गोली शाम, हब्बे नरकचोर दो गोली सुबह दो गोली शाम, कैप्सूल मको, मको कैप्सूल दो, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, माजून दविदुल वर्द 10 ग्राम रात को सोते वक्त, जवारिश आमला सादा 10 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, शरबत बेलगिरी 10-10 ml सुबह शाम। ये दवाएं आप 3 महीने तक लगातार लें, 10 दिन में ही आपको इंशाल्लाह आराम दिखने रहेगा, लेकिन 3 महीने लेंगे तो इंशाल्लाह लगभग 90% उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है शकील, शकील नाम से आया है, जो दोबारा दोबारा है ना वो मत, फिर जो लोग गए जाए। ओके ओके, तो उन्होंने वैसे यही पूछा था कि खाना खाती पेट भारी रहता है, तो मुझे लगता है इसका जवाब हम दे चुके हैं, इसका जवाब दे चुके हैं, तो हम नेक्स्ट सवाल पूछेंगे। अजय सैनी, सर मेरी उम्र 38 साल है, मुझे IBS, मुझे कभी कब्ज कभी, बिल्कुल अभी अभी यही जवाब दिया मैंने, अगर क्या नाम बताया, अजय सैनी भाई अगर आप देख रहे हो तो बिल्कुल अभी यही जवाब दिया कि कभी कब्ज होता है इसमें, कभी दस्त होते हो, और दोनों का ही तरीका इलाज बताया मैंने। अगर ज़्यादा दस्त होते हैं तो आप जो दवाएं मैंने वो बताई हैं उसको तो आप नोट कर ही लें, उसके साथ में हब्बे राल का इस्तेमाल करें, और अगर ज़्यादा दस्त नहीं होते हैं तो हब्बे राल ना लें, फिर नॉर्मली जो दवा बताइए। और अब नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो पंजाब बैंक, उसमें समझ में नहीं लगता। अब अकील अहमद, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा कोलेस्ट्रॉल 210 है, मेरा BP बढ़ा हुआ है और नींद की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, घबराहट और कमज़ोरी रहती है। जी जी, देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका वज़न भी बढ़ा हुआ, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो आप दवाओं का नोट कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं जा सकता। अर्के ज़ीरा आप 25-25 ml सुबह शाम लें अर्के ज़ीरा, और रमी कंपनी का कार्डियक सिरप जो कि बहुत फेमस होता जा रहा है इस वक्त और बहुत ज़्यादा सेल है हमारे यहाँ उसकी, हार्ट के परेशानी वालों के लिए, घबराहट वालों के लिए, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ जिन लोगों का या हार्ट ब्लॉकेज है उन सब के लिए कार्डियक सिरप रमी कंपनी का 10-10 ml सुबह शाम लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगली मेडिसिन जो है जवारिश शाही 10 ml रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें, तो जो भी परेशानी आपको आई है अभी तक ये इंशाल्लाह सारी दूर हो जाएंगी, और 10 से 15 दिन में आपको आराम मिलने लगेगा, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, देसी दवा है तो ऐसा नहीं है खाते आराम, मुझे ये मैं सभी को बताता रहता हूँ कि इतनी जल्दी आराम नहीं करें, लेकिन 10-15 दिन बाद आप ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल है, नदीम सैयद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पर्सन की हार्ट बीट 130-140 रहती है, कंटिन्यू है इसी तरह, तो उसे नॉर्मल कैसे दिया जाए। इससे पहले जो सवाल आया था ना अजय सैनी भाई का, उसमें BP का भी मसला था, तो एक BP की टैबलेट ही मैं आपको बता रहा हूँ, अजय भाई आपको मिस कर दिया था, दवाउल शिफा एक एक गोली सुबह शाम लें दवाउल शिफा, क्योंकि ये दूसरा जो सवाल है ना हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ना, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं BP से ताल्लुक है इसका, तो देखिए अगर ऐसा होता है आपको हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, कितनी बताइए, 130-140, ठीक है, और इसके अलावा क्या परेशानी बताइए। हाँ, प्रॉब्लम बस यही है कि हार्ट बीट इंक्रीज है, ठीक है, इसमें आप कुछ दवाएं मैं आपको दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, नोट कर ले, फीमेल नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, जवारिश शाही एक ऐसी मेडिसिन है हार्ट की जितनी भी घबराहट, पॉल्पिटेशन, हाइपर टेंशन और साथ में
जो हार्ट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, इन तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए ज्वारिश शाही बेहतरीन चीज़ है। आप लगातार इसका इस्तेमाल करें, उसके बाद आप खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला इस्तेमाल करें। ज्वारिश शाही आपको 10 ग्राम रात को लेना है, खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला आपको 3-3 ग्राम सुबह शाम लेना है। और अब खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला पर कमेंट्स हो सकता है लोगों का कि ये तो और हार्ट को मजबूत करेगा, धड़कन और बढ़ जाएगी, तो इसके हमें फ़ायदा अगर लेना है तो इसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए अरके ज़ीरा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अरके ज़ीरा क्या है, डायुरेटिक दवा है, मुद्रे बोल दवाएँ हैं, क्योंकि जो हार्ट को ताकत देगी और वहाँ जो भी ब्लड के सर्कुलेशन में गंदगी है जिसकी वजह से हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है, वो पेशाब के जरिए अरके ज़ीरा उसको बाहर निकाल देगा, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहने लगेगी, हार्ट मजबूत हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा अपनी जगह से, जो उसमें एबनॉर्मल जाएगी वो काम खमीरा ऑपरेशन हकीम अरशद ही करेगा, लेकिन अरके ज़ीरा उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करके खास खास फ़ायदे ले देगा, इसलिए अरके ज़ीरा का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना ऐसे अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके हार्ट की बीट और बढ़ जाएगी। हम नया सवाल लेते हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, वो कहते हैं हब्बे पेचिस शरबत। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गए इनके। ओके, तो देख ले एक मिनट देखते हैं, हब्बे पेचिस शरबत। हाँ, तो इनका सवाल है, हब्बे पेचिस शरबत, बैलगिरी, ज्वारिश आंवला, सादा, तीनों खाने के बाद लेना, और सर बहुत शुक्रिया। हाँ, खाने के बाद ही लेना है, भूखे पेट पर नहीं लेना, ये खाने के बाद ही लेना है, इनको जवाब दिया था ना। अच्छा हाँ, इनका जवाब, इनका सवाल आया था जिसका हमने जवाब दे दिया था, तो वो ये पूछ रहे थे कि खाने के बाद लेना है पहले, तो खाने के बाद ही लेना है, उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है एम के दवा खाने की तरफ से कि अस्सलाम वालेकुम सर, नुजहत जहाँ एज है 60 और 400 रहती है, तो कोई इलाज बताएं। अच्छा अच्छा, शुगर 400 रहती है तो ये काफ़ी है और बहुत ज़्यादा है, 60 साल की उम्र है, तो देखिए एलोपैथी मेडिसिन तो आप लेते ही होंगे ऐसी कंडीशन में। अब आपको क्या करना है, हमारे यहाँ क्योंकि मैं तो क्योंकि शुगर के नाम से स्पेशल अभी तक कोई परफेक्ट दवा नहीं है मार्केट, अलग अलग कंपनियाँ अपने अपने हिसाब से ब्रांड बनाती हैं और उनका कॉम्बिनेशन अगर आपने सही तरीके से सेट कर लिया तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर जो हम देते हैं शुगर कंट्रोल सिरप देते हैं और बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमारी वीडियो देख करके लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं उसको, शुगर कंट्रोल सिरप 10-10 ml सुबह शाम हम देते हैं जी, और हमने खुद ने अपना ब्रांड तैयार किया है GN हेल्थ केयर के नाम से, GN हेल्थ केयर के नाम से मेडिसिन तैयार की है, हब्बे अक्सीरे शुगर, दो दो गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराते हैं, मेरे पास भी रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए हमारे अपना खुद का ब्रांड तैयार किया है हमने, मतलब खुद की मैन्युफैक्चरिंग चालू की है हमने, और ये जो है हब्बे अक्सीरे शुगर टैबलेट, अगर थोड़ा सा लाइट ऐसा थोड़ा हो सकता नहीं दिखती हो आप लोगों के सामने, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप वहाँ इसकी वीडियो देख सकते हैं, तो दो दो टैबलेट की सुबह शाम देते हैं, साथ में कैप्सूल मोमियाई एक एक सुबह शाम देते हैं, हमने ये नुस्खा तैयार किया है और जिसको भी हम इसका इस्तेमाल करा रहे हैं 10-15 दिन में ये बीमारी कंट्रोल होने लगती है। पेटेंट दवाएँ हैं ये, कोई क्लासिकल नहीं है, हर जगह मिल नहीं पाएंगी ये दवाएँ, क्योंकि शुगर के लिए हर जगह अवेलेबल नहीं है दवाएँ, लोग अपने अपने तरीके से तैयार करते हैं कि ये दवा से ज़्यादा फ़ायदा, ये दवा से ज़्यादा फ़ायदा। मार्केट में कुर्स डायबिटीज़ के नाम से आती है, अगर कुछ भी ना मिले तो आप कुर्स डायबिटीज़ दो दो इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद, कैप्सूल डायबिटीज़ के नाम से हमदर्द बनाते हैं, एक एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं ये मार्केट के, और वरना आप जो हमने बताया इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिएगा तो हमारे ऑनलाइन के साथ साथ कोरियर से भिजाने की सुविधा भी है जी, और उसमें हम तमाम अपने जो व्यूवर्स हमसे दवाएं मंगाना चाहते हैं उनके वहाँ नहीं मिलती, परेशानी होती है, तो वो हम सब कोरियर के जरिए जिस हिंदुस्तान के किसी कोने में आप हम भिजा दें। तो आपने इसका जवाब पा लिया होगा, और अगर आपको ये मानी है हब्बे अक्सीरे शुगर जिसका नाम है टैबलेट का, ये हर जगह नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो आप ऑनलाइन जो मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो आपने जाती है उससे आप मंगवा सकते हैं, वो आपके ऑल इंडिया कहीं भी पहुंचाया जाएगा। एक बात और बोलना है कि देखिए जो लाइव शो हमारा चल रहा है, मैं आप सभी से बता दूं कि ये दो चैनल पर लाइव चल रहा है जी, एक तो आप हमारे चैनल पर देख ही रहे हमारे व्यूवर्स डॉक्टर जीशान AS यूट्यूब चैनल पर, दूसरा जो है दोस्तों वो GN मेडिकल चैनल पर भी लाइव चल रहा है। GN मेडिकल चैनल को क्यों बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये हमारे छोटे भाई का चैनल है, फार्मेसिस्ट हैं ये, डॉक्टर हैं, और इन्होंने अपने चैनल पे एलोपैथी मेडिसिन की तमाम मेडिसिन लगभग 200 से ज़्यादा के 200 के आसपास मेडिसिन की डिटेल बहुत बेहतरीन अंदाज में बताई। अगर आपको कोई एलोपैथी से रिलेटेड कोई सवाल ना है
या आपको कोई जानकारी लेना है या आप कोई एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि उससे कोई साइड इफेक्ट है या किस काम आती है, तो आप GN मेडिकल चैनल पर जाएं, वहां भी चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें चैनल को, ताकि आपकी सहायता, आपकी मदद की ज़रूरत है वहाँ पर, सभी लोग हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जिसमें कि अगर कोई भी यूनानी दवा का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो वो डॉक्टर ईशान एडो टेस्ट चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर कोई एलोपैथी से रिलेटेड कोई भी दवा की जानकारी चाहते हैं तो वो फार्मासिस्ट मोहम्मद रिजवान साहब हैं, जिनका चैनल है GN मेडिकल चैनल, उस पर जाके आप देख सकते हैं, और अभी भी ये उस पर भी लाइव चल रहा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसे। अब सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद इस्लाम खान लिखते हैं, इन्होंने शायद थोड़ी सी अधूरी जानकारी दी है, ये कहते हैं पेट फूल जाता है क्या करें, एज 27 है। क्यों फूलता है, किस वजह से फूलता है, कब से फूलता है, ये अधूरी जानकारी है, तो इसका सवाल ठीक नहीं है। अगला सवाल ये है, हाँ हमने पहले ही कहा था कि आप कमेंट्स जो भी कर रहे हैं तो उसमें पूरी डिटेल लिखें ताकि इलाज प्रॉपर मिल सके, अगर डिटेल पूरी नहीं होगी तो फिर ऐसे डायरेक्ट बताने से फ़ायदा नहीं है। तो ये नेक्स्ट टोनी बाबा के नाम से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 10 साल से इन्होंने मतलब स्पर्म की कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम है। इनको देखिए, वीडियो के आखिर में मैं कोशिश करूँगा अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट होंगी आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट मुझे सेंड करनी पड़ेगी, और आप मुझसे व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लाइव शो में हम ये सब नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइन जो है ना बहुत सख्त होती हैं, और इस तरह से कोई भी अगर हम शब्द यूज़ करते हैं तो फौरन मैसेज आने लगते हैं जी। बाद में आप बात, अगर कोई भी इस टाइप का सवाल पूछना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन आप पर्सनली कर सकते हैं, ये पब्लिक इसमें आप कमेंट्स ना करें, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि थायराइड का इलाज बताएं सर मोहम्मद अकबर, तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, काफ़ी इन्होंने ऐसे सवाल पूछा है थायराइड के बारे में, बस तो अधूरा सवाल है ना, अधूरा तो सवाल है, आप पूरी अपनी कंडीशन बताएं, थायराइड कितना रहता है, कब से है और किसको है, मेल है फीमेल है, कि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है, जीशान भाई प्लीज़ आप मुझे मिर्गी का इलाज बता दें। अच्छा अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल सही है, हालांकि इन्होंने अभी भी अधूरी जानकारी दी है कि किसको मिर्गी है, बच्चों को है बड़ों को है, ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर बच्चों का इलाज अलग होगा जाहिर सी बात है बड़ों का इलाज अलग होगा, दोनों का सेम तो नहीं हो सकता, दवाएँ सेम हो सकती हैं, डोज अलग अलग रहेगी तो वो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। आप कभी भी अगर इस तरह से सवाल करें तो पूरा सवाल करें, अधूरा सवाल में ऐसे जवाब देना ठीक नहीं है, डोज गलत हो गई तो बीमारी के सेहत से ताल्लुक होता है, बीमार भी पड़ सकता है इंसान, परेशान हो सकता है। डॉक्टर साहब नेक्स्ट हैं, कमेंट लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने आपसे इफ्तिकार आलम, MD इफ्तिकार आलम है, ये कह रहे हैं कि हमने व्हाट्सअप पे SMS किए थे लेकिन हमको अभी तक जवाब पूरा नहीं मिला सर। अगर इन्होंने अभी 6 बजे के बाद किए, आज 6 बजे के बाद, तो अभी किसी को जवाब नहीं दे पाया हूँ मैं, क्योंकि आज क्लिनिक 6 बजे के बाद बंद कर दिया था, बाहर गए थे किसी काम से, तो बिज़ी होते हैं जब जवाब नहीं देते, वरना 8 बजे से पहले जितने भी सवाल होते हैं हमारे पास सुबह से शाम तक के सारे जवाब देते हैं, तो अगर 6 बजे के बाद किया होगा इन्होंने इसलिए जवाब नहीं दे पाया, अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वरना कल सुबह में। डॉक्टर साहब ये एक कमेंट है, वेरिकोज वेन और वेरिकोज, इसका पूछा इन्होंने, देखिए वेरिकोज वेन और वेरिकोज वेन और वेरिकोसील होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान लें, इस पर दवाई बताइए, दवाई ऐसे नहीं बता सकते। वेरिकोस वेन जो होता है, अक्सर जो पैर की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, ऐसे समझो कि उसमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट या गंदा खून भी कह सकते हो भर जाता है, हमारे यहाँ सीधा सीधा इसका इलाज हिजामा है, हिजामे से तुरंत ठीक भी हो जाते हैं, 15-15 दिन के अंदर कई कई साल पुराने लोग मरीज ठीक हुए हैं, वेरिको वेन ठीक है, वेरिकोज वेन में। और वेरिकोसील जो है वो टेस्टिस की जो वेन्स होती है उसमें पानी भर जाता है, तो इसका कोई अभी खास मुकम्मल इलाज नहीं है, हिजामे से इसमें आराम तो मिलता है और दवाओं से भी आराम मिलता है, लेकिन लोग क्या है आजकल तकलीफ़ ज़्यादा होती है या डरे हुए होते हैं तो इलाज करा नहीं पाते ठीक से, तो इस चीज़ का बहुत कम तजुर्बा है, लेकिन वेरिकोज वेन का जो है बहुत बढ़िया इलाज है, हम एक थेरेपी भी करते हैं इसमें हिजामा के साथ साथ, वेनेक्सेशन जिसको यूनानी में फसद बोलते हैं, निडिल से उस जगह प्रिक करके वहाँ का ब्लड बाहर निकाल देते हैं और जो फूल रही है ना वो बंद हो जाती है, वहाँ ताज़ा गंदा ब्लड बाहर आ जाता, ताज़ा निकल आना शुरू हो जाता, सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, तो ये इलाज हमारे पास होता है। दवाओं में स्पेशल कोई इलाज नहीं है, बस हम मुलायम दवाएं देते हैं नरमी पैदा करने वाली और वो लैट्रिन के जरिए गंदगी को निकालते हैं, तो इसमें हम ट्रिपल सनाई का रात को इस्तेमाल कराते हैं और कोई ख़ास इलाज नहीं है, बस वेरिकोज वेन का बहुत अच्छा इलाज है, बस ये हिजामा और वेनेक्सेशन। तो
उम्मीद है जो पंजाब बैंक ने पूछा था उनको पता चल गया होगा। अब ये मोहम्मद अकबर जिन्होंने पहले सवाल पूछा था थायराइड के बारे में, उन्होंने थोड़ी सी डिटेल दी और कहा है थायराइड 14 है, मेल है और एज 34 है। सवाल अभी भी लेकिन अधूरा है ना। हाँ, एच लेवल बढ़ रहा है या T3 बढ़ रहा है, T4 बढ़ रहा है, ये भी देखना होता है जी। और सबका अलग अलग मसला होता है, इलाज भी सबका अलग अलग है, इसलिए तो थायराइड का तो कभी लाइव में हम दे ही नहीं पाते जहाँ। हालांकि मैं आपको बता दूं हमारे पास बड़ा अच्छा इलाज है इसका यूनानी में, और काफ़ी लोग बराबर इस्तेमाल करके दवाएं फ़ायदा उठा रहे हैं। एलोपैथी दवाएं छूट जाती हैं लोगों की, जो थायरोनॉर्म जो टैबलेट लेते हैं, थायरोक्सिन टैबलेट लेते हैं, वो छूट जाती हैं, बंद करवा देते हैं हम बहुत जल्दी। लेकिन मसला यही है कि कौन सा लेवल बढ़ रहा है, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट दिखा। ये इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आवाज़ नहीं आ रही है, थोड़ी आवाज़ शायद कम आ रही है हमारी, अब थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करें। अच्छा, आप मुझे बोलते हुए भी तो 40 मिनट हो गए, अब तो आवाज़ हल्की हो जाएगी निकलना। जी 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 सर, अब ये हीना आसिफ हैं जो उन्होंने एक सवाल पूछा है। सर आई एम फीमेल, 34 ईयर एज है, गट की प्रॉब्लम है और वेट लॉस होते जा रहा है, गेस्ट्रो एंट्रो रिफ्लेक्स डिजीज, बहुत खतरनाक बीमारी है, इसमें खाना और गैस और जलन सब ऊपर की तरफ पहुँचती है। तो इसका तो जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, अक्सर लोगों ने सवाल किया था ना कि गले में एसिडिटी होती है और जलन ज़्यादा होती है, तो ये वही बीमारी होती है, लगभग सेम होती है। तो इसमें आप इतनी फल किशनी सुबह भूखे पेट पर इस्तेमाल किया करें, और इसमें एक दवाएँ 10 ग्राम लें सुबह भूखे पेट पर इतनी फल किशनी, उसके बाद शरबत तमर हिंदी 10 ml सुबह 10 ml शाम गर्म पानी में मिलाकर दें, ठीक है। माजून दविदुल वर्द 10 ग्राम रात को सोते वक्त लें, ये ऐसा करने से आपको चंद ही दिनों के अंदर काफ़ी आराम मिलेगा। अब डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम हो चुका है हमारे को, 40 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, हम एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं, और बाकी जिन लोगों के क्वेश्चन रह जाते हैं तो वो लोग या तो नेक्स्ट लाइव में या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि सर गले और सीने का कफ निकालने के लिए कुछ मेडिसिन बताइए। देखिए, गले और सीने का कफ जो है वो अक्सर क्या होता है, पुरानी हो जाती है बीमारी। शुरू में तो क्या करते हैं कि अगर हल्की फुल्की खराश या गले में कोई दिक्कत हुई, खांसी हुई, एलोपैथी दवा ले लेते हैं और एक दिन ले आराम हो गया छोड़ दो, ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, लंग्स को साफ़ करना ज़रूरी होता है, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो बलगम आता रहेगा, कफ आता रहेगा। तो इसमें हमें क्या करना है, शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब 10 ml गर्म पानी मिला करके चाय की तरह पीना है, शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब। लौंग सपिस्ता खयार शंबरी 5-5 ml सुबह शाम चाटना है, उंगली से चाटना, जितना आप चाटेंगे उतना आपके गले में जाएगा ये और असर करेगा फौरन, इसलिए इस दवा को चाटना है। शरबत ज़ूफ़ा मुरक्कब पहले ले लें और लौंग सपिस्ता बाद में लें, ठीक है। ये ऐसे करने से ये दिक्कत थोड़े दिन करें तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आज का हमारा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सारे लोगों के जवाब हमने लाइव दिए, अब जितने दे सकते थे उतने हमने दिए, और अगर किसी का रह जाता है तो मैंने आपको बताया आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करा सकते हैं, नहीं तो कभी जब भी हम लाइव नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप आ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, और पहली बार हम आपके साथ लाइव आए तो इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू कि आपने हमें लाइव आने का मौका दिया। और तो अब हम यहीं पर एंड करते हैं, आप कुछ कहना चाहें तो लास्ट में कुछ कह दीजिए। देखिए, यूनानी दवाओं से लोग इलाज कराते हैं तो अक्सर क्या होता है, हमने देखा है ज़्यादातर पुरानी बीमारी वाले पेशेंट जी, भाई झाड़ा बुखार नॉर्मली हुआ तो एलोपैथी दवा लेके उससे काम चल जाता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है या कोई भी बीमारी पुरानी हो जाती है, जब देसी और यूनानी की तरफ, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई बीमारी है तो स्टार्टिंग आप देसी दवाओं से ही करें, एलोपैथी दवाएँ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, यूनानी दवाओं से करें इलाज। और हर बीमारी का इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं होता शुरू में, सबका इलाज है, ठीक है। और एक चीज़ और, जब पुरानी बीमारी हो जाती है, लोग आते हैं दर्द वाले या किसी भी तरह की परेशानी वाले, तो अक्सर क्या होता है कि परेशान होते हैं काफ़ी दवा खाए हुए जी, और उनको ये लगता है कि बस जल्दी से एक दिन में फ़ायदा हो जाए, दो दिन में ठीक हो जाए जी, तो लोग दवाएं ले जाते हैं और फिर एक दिन दो दिन होता है और फ़ोन करना चालू कर देते हैं या वैसे भी बोलना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब फ़ायदा नहीं हुआ। हालाँकि कितना भी समझा दो उनको कि भाई थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है वक्त लगेगा, लेकिन बहुत से लोग बहुत प्यार से आराम से इलाज कराते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। बहुत से लोगों में सब्र नहीं होता, 4 दिन यहाँ दवा खाते हैं, 4 दिन वहाँ, इस तरह से करके अपना मर्ज़ और बढ़ा लेते हैं। तो मैं सभी व्यूवर्स से अपने कहूँगा, GN मेडिकल चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनसे भी कहूँगा ये बात कि कभी भी आप किसी भी जगह इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर को चुनें पहले, और अच्छे डॉक्टर को चुनने के बाद इलाज को कम से कम 1-2 महीने देखें। ये नहीं कि आप 10 दिन दवा खाई आराम नहीं है छोड़ के चले गए दूसरे डॉक्टर के, क्या 20 दिन वहाँ खाई छोड़ दी, 15 दिन तीसरी जगह खाई,
तो ऐसे आप अपना मर्ज को बढ़ा रहे हैं अलग अलग दवाएं इस्तेमाल करके। आप एक डॉक्टर पर भरोसा करके पहले डॉक्टर अच्छा चुनिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, ताकि आप बाद में ये ना हो कि डॉक्टर सही नहीं था और 3 महीने दवा खा ली, दवा से ठीक नहीं। सही डॉक्टर चुने, अपनी पसंद का डॉक्टर चुने और उसके बाद कम से कम 1 महीने 2 महीने लगातार देखें इलाज, दवाएं खा के। देसी दवाएं अगर आपके मर्ज़ के हिसाब से और मिजाज के हिसाब से अगर दवाएं दी तो बेशक फ़ायदा करेंगे। पहली पहली खुराक से 8-8 दिन में लोग इतना ठीक हो जाते हैं, पहली खुराक से बहुत फ़ायदा होता है बहुत सारी बीमारी। तो सभी व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि दवाओं को थोड़े भरोसे से और थोड़े दिन लगातार खाएं। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रैक्टिस में शुरू में दिक्कत आई थी, हालांकि अब तो नहीं होती है, तो यही थी कि लोग दवा लेकर के जाते थे और 3 दिन में कॉल करना शुरू कि डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा। तो देखिए देसी दवा है, ये जड़ पे जाके असर करती है, तो जड़ पे कोई चीज़ पहुँचेगी और जड़ी बूटियाँ हैं, कोई केमिकल नहीं है, तो वो थोड़ा टाइम लगाए। ये सबर रखना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में अगर आपको इलाज कराना है। वरना याद रखिए अगर आप एलोपैथी में वही इलाज कराए तो ज़िंदगी भर तक आपको दवा खाना है, तरह तरह के डॉक्टर बदलने हैं। और यूनानी में अगर आप या आयुर्वेद में अगर आप आते हैं तो कम से कम 6 महीने 4 महीने जो टाइम दिया आप उतना भरोसा करके इस्तेमाल ज़रूर करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। GN मेडिकल चैनल वालों से भी गुजारिश करूँगा मैं, जो हमारे डॉक्टर ज़ीशान AS यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं, हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि GN मेडिकल चैनल पर ज़रूर जाएं। एलोपैथी की कोई जानकारी लेना है आपको तो आप वहां से ले सकते हैं, छोटे भाई का चैनल है, आप प्लीज़ उस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यूनानी नॉलेज आपको यहां मिलती रहेगी, एलोपैथी आपको वहां मिलती रहेगी। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द किसी शो में इसी तरह से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।